क्यूट लगते थे, हमारी अम्मा हमको काला टीका लगाती थी। कहा है ना, हम सीता जी का रोल करते थे ना, तो हमको बहुत बहुत नजर लगती थी। एक बात कहूं अंगूरी जी, हाँ? आपका चरित्र रियल लाइफ में भी बिल्कुल सीता जी जैसा ही है। क्या बात कर रही हैं आप? सच में आप भी अपने पति का उतना ही सम्मान करती हैं जितना सीता जी राम जी का करती थी। अनिता जी, आप भी भरभूति जी से बहुत प्यार करती है ना, जितना सीता जी राम जी से करती थी उतना ही। हाँ, ये बात तो सच है, मैं विभू से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, तो मतलब आप में भी कहीं ना कहीं सीता जी है ना? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अंगूर जी, सवाल ये है कि हमारे पतियों में राम है या नहीं? भरभूति जी के बारे में तो हमको ना ही पता, लेकिन लड्डू के भैया में हम फूल करते हैं। आपके कहने का मतलब है फील करती है? हाँ, सही पकड़े हैं। और लड्डू के भैया के अंदर हमने महसूस किया है कि वो बिल्कुल राम की तरह है। अच्छा? हाँ, उनका स्वभाव बिल्कुल राम की तरह शांत है। क्या बात है। अंगूरी, तुम में भी ना धेले भर की अकल नहीं है। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि अब आओगी अब आओगी, लेकिन तुम बाजार में डेरा जमा के बैठ गई होंगी, है ना? और हम अंदर भूखे भजन कर रहे हैं। तिवारी जी, मैं भी अंगूरी जी के साथ ही थी। भाभी जी, हमें मालूम है इसमें आपकी कुदरत। ये सारा कसूर अंगूरी का ही है। इसकी बहुत बुरी आदत है बाजार में मोल भाव करने की। जी अब जमीन में क्या देख रही हो? चलो अंदर। अरे अरे, माफ कीजिएगा अंगूरी जी, लेकिन इस वक्त तो तिवारी जी में राम जी किसी भी एंगल से नजर नहीं आए, बल्कि वो तो मुझे रावण जैसे लग रहे थे। हाँ, इस वक्त तो हमको भी नजर ना ही आए।